हाय फ्रेंड, किचन क्वीन में आपका स्वागत है। मैं आज मशरूम की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और ये मैंने एक पैकेट मशरूम लिया और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के बॉयल पानी के साथ पानी में इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसको धो लिया है। आप भी इसको धो लिया कीजिए क्योंकि मतलब नुकसान करता है फिर, ठीक है? इसलिए इसको बॉयल पानी में आप धुलिए। और यहाँ मैंने पानी बॉयल करने के चढ़ा दिया, इसमें मैं मशरूम, यहाँ मैंने 250 ग्राम मटर लिया है, इन दोनों को मैं यहाँ पर बॉयल करूँगी। इससे बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सब्जी मसाला और 1 चम्मच हल्दी लिया है। ये मैंने 4 प्याज को यहाँ पर छील लिया है, ये तेज पत्ता लिया है, और ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने हींग लिया क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने सारे खाने में हींग का यूज़ करती हूँ, इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च ले ली है, ठीक है? इतने इंग्रेडिएंट्स से मैं आप मशरूम की सब्जी बनाऊंगी और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये टेबल सॉल्ट मैंने लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसा मशरूम की सब्जी बनाते हैं। देखिए, पानी थोड़ा थोड़ा बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें मशरूम को डाल देंगे। ये देखिए, मैंने पहले इसको ही हल्के से बॉयल पानी में धो लिया था। अब इसको हम, जिससे कि बहुत लोगों को मशरूम पसंद नहीं होता है, तो इसको अगर गर्म पानी में कर देंगे तो ये खिचखिच जो स्वाद होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और मैं इसमें ये मटर, पूरे मटर नहीं डालूंगी, बस इतनी ही मटर डालूंगी। डाल देती हूँ पूरे मटर और इसको मैं चला दूंगी। अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये देखिए, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब मैं प्याज को जल्दी से काट लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बॉईल हो रहा है। देखिए फ्रेंड, ये देखिए मशरूम और मटर अच्छे से पक रहा है। इससे जिन लोग को ना मशरूम मतलब कहते हैं ना कि वो खचखच करता है, पसंद नहीं आता है, उसको हल्का हम लोग पका लेंगे ना, उसके बाद हम इसके बाद का प्रोसेस मैं बताऊंगी। और यहाँ पर देखिए, मैंने टमाटर को भी काट लिया है और प्याज को भी मैंने काट लिया है। और यहाँ पर हमारा मशरूम और मटर पक रहा है, थोड़ा सा भी और पकेगा। मटर को पकाने से ना सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप कभी भी कोई भी सब्जी बनाएं तो मटर को हल्का बॉयल करके ही बनाएं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी हमारा मशरूम थोड़ा सा और पकेगा, आगे मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसमें बड़ा बर्तन ले लिया क्योंकि वो छोटा पड़ रहा था। इसको अच्छी तरह से हम पका देंगे, इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे तो ये और अच्छे जल्दी पक जाएगा, क्योंकि वो इतना बॉयल हो चुका है। तो हम इसमें थोड़ा सा टेबल सॉल्ट डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा टेबल सॉल्ट डाला। देखिए, टेबल सॉल्ट डालते ही ये जल्दी से मशरूम पक जाएगा ढंग से। इसको थोड़ा पकने देती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा मटर और मशरूम पक गया। अब इसको हम साफ पानी से धुल लेंगे। मैंने देखिए यहाँ पानी लिया, अब इससे हम धुल, देखिए हम इसको साफ पानी से वॉश कर लेंगे। इसमें ना हमेशा मशरूम को इस तरह से गर्म पानी में करके वॉश, मैंने भी इसको हल्का सुसुम पानी में पहले ही धुल लिया था। और ये देखिए, अब मैंने गर्म पानी में इसको बॉयल कर लिया दोनों चीज़ों को, और इसको मैंने ठंडे पानी से मैंने दोनों इसको भी धुल दिया अच्छे से। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ सारा प्रोसेस करते हुए। अब वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कैसे कैसे बनाना है। और यहाँ देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। आपको मैंने आपको पता ही है, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं आप, और भी जो भी ऑयल का यूज़ करते हैं आप उस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। बस मैं इतना ही तेल लूँगी। देखिए, अब इस तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें हींग डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया है और यहाँ हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। अब ये देखिए, मैंने हींग ले लिया है, अब हम इसमें हींग डाल देंगे। तेल थोड़ा सा और गर्म होगा, हींग को पकने देते हैं। मैंने हाई फ्लेम किया है, उसी पर हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, हमने हींग डाला था, हींग गर्म हो गए हैं। अब मैंने जो खड़े मसाले लिए, अब मैं उसको डाल दूंगी। और यहाँ पर मैं 2 चम्मच तेज पत्ती डालूंगी और उसको चलाएंगे।
मसालों को पकने देंगे जब तक इसकी झाग खत्म ना हो जाए। थोड़े मसाले पक जाएंगे तब तक मैं इसमें प्याज डालूंगी। मसालों को पक जाने दीजिए। ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे जो हमने काटा है। तो हम ढक देंगे। ये जो हमारा प्याज पक रहा है थोड़ा सा या हल्का सा हो जाएगा तब इसमें मसाला डालेंगे। देखिए हमारा प्याज भुज गया है, अब हम इसमें मैं नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार। मैंने स्वाद के अनुसार नमक इसमें मिला दिया है क्योंकि इससे ना मसाला बहुत अच्छा पक जाएगा। मैं इसमें टमाटर डालूंगी क्योंकि टमाटर पक जाएगा तब मैं लहसुन प्याज इसमें डालूंगी, जिससे लहसुन प्याज का जो टेस्ट है ना वो छिपे नहीं और वो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। ऐसे पहले से लहसुन प्याज डालने से वो जल जाता है और अपना टेस्ट सब्जी में दिखा नहीं पाता है। देखिए मैं इसको कर दूँगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक पड़ा हुआ है इसलिए ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पकाएंगे। ये देखिए हमारा टमाटर, क्योंकि नमक डालने की वजह से टमाटर अच्छे से पक चुका है, तो हम इस तरह से मिला देंगे। तो इसमें से ज़्यादा टेस्ट टमाटर को भूनने का होता है। और हम इसमें लहसुन अदरक मिर्चा का पेस्ट मिला देंगे। मैंने जो यहाँ पर हल्दी नमक और सब्जी मसाला हल्दी और सब्जी मसाला लिया है हम उसको यहाँ पे मिला देंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा मसाला तैयार हो रहा है। मैंने कोई भी बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं किया। अशोक मसाला मैंने थोड़ा सा डाला और थोड़ी सी हल्दी डाली है, एक चम्मच अशोक मसाला और एक ही चम्मच मैंने हल्दी मिलाई है। ये आप देख सकते हो मेरे मसाले का कलर, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से मशरूम बना के। और इसमें मैंने कोई भी अदरस मसालों का यूज़ नहीं किया है, मेन मेरा लहसुन प्याज अदरक ये मसाले हैं। इसमें अदरक की क्वांटिटी थोड़ा आप ज़्यादा ही डालना, एक पूरा कटोरा लहसुन और चार प्याज और दो टमाटर, अगर छोटे टमाटर हों तो आप तीन टमाटर। थोड़ा सा ढक देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेल छोड़ देगा, थोड़ा मसाला पक जाएगा तब मैं उसमें मशरूम और उसको डाल के भूजूंगी थोड़ा देर। फिर लास्ट में उसमें गर्म मसाला डालूंगी। मेरे पास धनिया पत्ता ख़त्म हो गया, आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हो लास्ट में। ये देखिए मेरा मसाला कितना अच्छा पक गया है। इस मसाले में तेल भी छोड़ दिया है तो मतलब ये मसाला अच्छी तरह से पक गया है। जब मसाला तेल छोड़ दे तो आप समझ जाइए मसाला हमारा पक चुका है। अब मैंने जो ये जो मैंने बॉईल किया था और इसको फ्रेश वाटर से मैंने धुल लिया था, हम इसको इसमें डाल देंगे। इससे ये थोड़ा सा कचकच नहीं लगता और जिनको मतलब इसका कचकचापन पसंद नहीं है वो इस तरह से बनाए मशरूम। और अगर मैं दो तरह से आपको मशरूम सिखाऊंगी, आज मैं आपको इस तरह सिखाती हूँ, आप इसको ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा पकाएंगे इन मसालों के साथ। तब इसमें हम थोड़ा सा बॉयल पानी डालेंगे क्योंकि बॉयल पानी डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैं इसको ढक देती हूँ और मैं थोड़ा सा गैस का फ्लेम कम कर देती हूँ। ये देखिए अच्छे से चलाइए क्योंकि हल्का भूजिएगा ना बहुत अच्छा टेस्ट है। हल्का से उसको हल्का भूजेंगे जिससे कि मसाला जो है
अच्छी तरह से मटर और जो हमारा मशरूम है उसे सोख लें थोड़ा सा। आप देख सकते हो उसको ढक देंगे, थोड़ा सा हल्का सा और पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पानी वालों के लिए चढ़ा दिया है, हल्का सा मैं फ्लेम तेज कर दूंगी गैस का। ये देखिए हमारा मटर और मशरूम मसाले के साथ अच्छी तरह से पक गया है। क्योंकि मसाला जितना अच्छे से पक जाएगा सब्जी का टेस्ट नहीं अच्छा होगा, थोड़ा सा और पकाएंगे इसको ढक के। आप देख सकते हो कितना अच्छा मसाला पका है। देखिए आप चाहें तो ऐसी सब्जी रख सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी वाली खानी है तो ग्रेवी वाली खाइए, क्योंकि मैंने हमारा मटर पहले ही पक चुका है। देखिए मैं सूखा भी थोड़ा सा पका देती हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसको और पकाते हैं हल्का। ये देखिए हमारा सब्जी बहुत अच्छा भुन गया है, इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आप चाहें तो पैसे खा सकते हो। मैं हल्का सा ये वाली सब्जी निकाल दूंगी, दोनों का टेस्ट आपको बताऊंगी कैसा लगा। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको सूखा निकाल दिया है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ग्रेवी वाला भी खा सकते हैं। मैंने जो पानी बॉईल किया मैं थोड़ा सा डालूंगी, आपको जितना ग्रेवी पसंद है आप उतना का यूज कीजिए। गर्म पानी डालने से उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मसाले भी अच्छी तरह से जो पके हुए हैं उनका टेस्ट। बस थोड़ा सा ग्रेवी डालूंगी मैं, इतना ही ग्रेवी बनाऊंगी, थोड़ा सा मैं हल्का और डालूंगी क्योंकि पकने तक बाद इतना ग्रेवी रहेगा। ये देखिए मैंने इतना पानी डाला है, लगभग छोटे कटोरे से एक कटोरा। मैं इसको ढक दूंगी पकने के लिए और फ्लेम को मैं तेज कर दूंगी। और मैंने थोड़ी सी सब्जी ऐसे निकाली है, आप इसको पूरी पराठे चावल के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं इसको थोड़ा पकने दूंगी फिर मैं आपको फाइनल इसका लुक दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गया है और मैं इसमें थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि घर का पिसा हुआ गर्म मसाला है, हल्का सा मैं इसमें फ्लेवर के लिए डालूंगी, हल्का सा बस, ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ही ये देखिए ये हमारी सब्जी का फाइनल लुक है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और टाइट होगा ग्रेवी इसका। तो देखिए ये मैं और ये मैंने सूखा मशरूम निकाला है, आपको जैसा भी मशरूम अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं आपको हेल्दी और बहुत ईजी खाना बनाना सिखाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।